हेलो व्यूअर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो खाली बादल ही आते हैं और पानी वानी कुछ नहीं बरसता है, और हम लोग पानी का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे लखनऊ में बस बदली तो आती है, लगता बरसेगा और फिर कुछ नहीं बरसता है। खैर, जैसा भी मौसम है उसी के साथ हम लोग अपना उसी तरह का काम कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे, हमारे मधुकामनी पर खूब ढेर सारे फ्लावर्स आए हैं, और ये हमारी मधुकामनी की फ्रेंड्स बड़ी वाली नॉर्मल जो वैरायटी है वो वाली वैरायटी है, और हर ब्रांच पे फ्लावर्स आए हैं, तो उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी। पहले नहीं थे, और आपको बता दें यहाँ मेरे धूप भी बहुत कम देर रहती है, हालांकि मधुकामनी के प्लांट्स को बहुत धूप चाहिए। हर ब्रांच पे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो मैंने क्या किया था, करीब 10-12 दिन पहले मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, और वो फर्टिलाइज़र कौन सा था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो फर्टिलाइज़र हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र था, जो कि बड़ा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र होता है, सभी जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम सभी कुछ चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इस समय फ्लावर्स बहुत आए हैं, कलियां बहुत हैं, तो मैं आज फिर दोबारा उसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र लोग कहते हैं कि नहीं डालना चाहिए बारिश में, लेकिन हमारे यहाँ बारिश हो ही नहीं रही, तो करें क्या, सूखी सब मिट्टी है, तो उसमें आज मैं फिर अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे। और यही मैंने 10-12 दिन पहले भी काम किया था, तो हमारे यहाँ खूब सारे फ्लावर्स आ गए थे, और ये भी फ्लावर्स तो सदाबहार हैं, हमेशा ही रहते हैं, और मैं इनमें भी डालती ही रहती हूँ। तो यही हमारा छोटा सा वीडियो था, देखिए कितने सुंदर, और ये इतना महकता है, एंट्रेंस पे है, आप सभी जानते हैं मधुकामनी की फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ होती है, बहुत सुंदर महक होती है। एक छोटे से गमले में, गमला तो ठीक है 12 इंची का है करीब, लेकिन उस पर ये बड़ा सा प्लांट हो गया और इस पर इतने अच्छे फ्लावर्स आए हैं। तो यदि आपके फ्रेंड्स फ्लावर्स नहीं आते हैं तो आप केले का फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप पानी बरस रहा है तो आप सुखा के उसका पाउडर बना के डालिए, और हमारे यहाँ तो बारिश हो नहीं रही तो हम तो अपना भिगो भिगो के लिक्विड ही डाल रहे हैं। और ये फर्टिलाइज़र मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा केले मंगाती रहती हूँ, चाहे मुझे खाने हों चाहे ना खाने हों, लेकिन मुझे उसके छिलके ज़रूर चाहिए। तो यही एक हमारा छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।